दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी चीज सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सब कुछ दिखाई देता है कि इंटरनेट अगर आपके कंप्यूटर में चल रहा है तो कितनी स्पीड से चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से मैं और कोई भी वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट को ओपन होने के लिए इतना स्पीड इंटरनेट यहाँ पर यूज हुआ है, जो कि आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नेट स्पीड मीटर को कैसे इनेबल करेंगे। अब इसका फायदा यह है कि जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज रन नहीं करता है लेकिन फिर भी यहाँ पर 600, 700 या 1 Mbps की स्पीड यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ से आप साफ पता कर सकते हैं कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो कि बैकग्राउंड में चल रहा है और पूरी तरीके से इंटरनेट को यूज कर रहा है। तो उसे आप यहाँ से टास्क मैनेजर में आकर के और आप उसे यहाँ से आप ढूंढ करके और आप यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे विंडोज के टास्क बार में नेट स्पीड मीटर को इनेबल करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर के अंदर आ जाना है और इसके सर्च बार में आपको नेट स्पीड मीटर लिख करके सर्च कर देना है। ध्यान से देख लीजिए, नेट स्पीड मीटर के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। इंटर करिए, सबसे टॉप वाली वेबसाइट दिखेगी, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक फ्री डाउनलोड का बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। आपके सामने देखिए दो ऑप्शन आएंगे, x86 और एक ऑप्शन दिखेगा x64। x86 का मतलब ये है 32 बिट और x64 का मतलब होता है 64 बिट। अब यहाँ पर अगर आप ये कंफ्यूज में पड़ गए हैं कि हमें कौन सा डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पर आ जाना है और दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो OS इंस्टॉल है वो 64 बिट का OS इंस्टॉल है, जो कि यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ से साफ कंफर्म हो चुका है कि हमें 64 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अगर यहाँ पर आपके केस में यहाँ पर 32 लिखा हुआ दिखाई दे या फिर x86 लिखा हुआ दिखाई दे तो यहाँ पर आपको 32 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। सो हम यहाँ से 64 बिट का डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हम आके और 64 के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर कुछ ही सेकंड में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करिए तो ये सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा होगा। डाउनलोड फुल हिस्ट्री पर क्लिक करिए। जब डाउनलोड कम्प्लीट हो जाए तो बगल में देखिए एक 3 डॉट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए शो इन फोल्डर दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। जिस फोल्डर में ये फाइल डाउनलोड हुई होगी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए, इंस्टॉल पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज XP या फिर विंडोज सर्वर 2003 या फिर विंडोज विस्टा या फिर विंडोज 7 के अंदर चलेगा, इसके अलावा और किसी भी विंडोज के अंदर नहीं चलेगा। चूंकि हमारे पास जो विंडोज है वो विंडोज 10 है तो ये नहीं चलेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ। यहाँ पर देखिए ये जो एरर आ रहा है इसको आप क्या करिए, यहाँ से आप इसे ओके पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन ओके करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे कि अगर आपका विंडोज 7 है या फिर विंडोज XP है तो आपके सामने इस तरीके का कोई एरर नहीं आएगा, सीधा यहाँ पर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चले जाना है, आपका काम ओके हो जाएगा। सो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और इसे हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। अब आपको क्या करना है, उसी डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाना है और उसी सेटअप के पास जाना है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर देखिए एक कंपैटिबिलिटी का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखेगा रन द प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड पर, इसके ऊपर आप चेक करके यहाँ से आप इसे अप्लाई पर क्लिक करिए, ओके पर क्लिक करिए। आपका काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिखेगा, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चेक कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल पर क्लिक करिए और कुछ इस तरीके से यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश पर क्लिक करिए, आपका काम हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप इसे यहाँ टास्क बार में शो कराना चाहते हैं, हाँ या नहीं, तो हम इसे बिल्कुल शो कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए यस का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, आपका काम हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेट स्पीड मीटर है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो अब चलिए इसके अंदर कुछ कन्फ्यूज
कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम करके देखते हैं। सो यहाँ पर इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से खुल करके आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस के अंदर आप देखिए दो तीन ऑप्शन आ रहे होंगे। हो सकता है इंटरनेट यूज करने पर कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर कोई भी डेटा यहाँ पर शो नहीं होता है, तो ऐसे केस में आप क्या करिए, एक एक करके सभी को बदल के देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आप इस एरो से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर का यही वाला ड्राइवर है, यही सही रहेगा, इसी से ही हम इसका इंटरनेट स्पीड टेस्ट करेंगे। इसी तरीके से आप इसका बिट रेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, KBPS में होगा, MBPS में होगा, किस में होगा, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद फिर मॉनिटरिंग, यहाँ से आप इसे कम चालू या बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका प्रेसीजन चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, इसे जब आप चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। इसके अंदर आप लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखेगा ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट, यहाँ से अगर आप इसे चेक करके रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं लेआउट वाले सेक्शन के अंदर। तो लेआउट वाले सेक्शन के अंदर आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पर ही मेन चीज होता है, इसके अंदर अगर आप आएंगे तो आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलिबरी है, तो यहाँ पर आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला फॉन्ट है, इसको हम करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो देखिए फॉन्ट कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है। और अगर यहाँ पर ये काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप लेआउट वाले सेक्शन में आइए, फॉन्ट साइज में आ जाइए, और फॉन्ट साइज सबसे बेहतरीन 12 नंबर का होता है, सबसे बढ़िया होता है। और चलिए हम इसे कैलिबरी ही सेट कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से कैलिबरी ही मेरा सेट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप ग्लो साइज वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं और अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो चुका है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता हूँ, अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जब इसे आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो इसका जो कलर है वो वाइट कलर में हो सकता है आपको दिखे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं वाइट पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको अपने कंप्यूटर का जो थीम है वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज में आइए, कलर वाले ऑप्शन में आइए, यहाँ पर देखिए इसका जो ये जो चूज योर कलर है इसके ऊपर आप क्लिक करिए, यहाँ पर हम डार्क पर क्लिक करेंगे तभी ये हमें क्लियर दिखेगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कलर का ध्यान में रखना है, आप अपना कलर यहाँ से चेंज कर लीजिए कॉन्फ़िगरेशन में आकर के, कॉन्फ़िगरेशन में आकर के, और यहाँ पर देखिए लेआउट सेक्शन में आकर के आप अपने हिसाब से इसका कलर वगैरह चेंज कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, अप्लाई करिए, आपका काम हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। लेआउट सेक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका जो इनर पोजीशन है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखिए, क्योंकि इसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। इससे क्या होगा कि ये जो नेट स्पीड मीटर का जो पोजीशन है ये इधर उधर हो जाएगा, तो इसे सही करने में फिर से आपको वही सेटिंग करनी पड़ेगी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक वैल्यू विड्थ का एक ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आप जब आएंगे तो यहाँ से 4, 5, 6, 7 सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो U और D जो लिखा हुआ है और ये जो 0-0 दिखा रहा है, इसके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 6 नंबर पर कर देता हूँ और जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो स्पेस है वो बढ़ चुका है। सो यहाँ पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ है, इसे हम यहाँ से 4 ही नंबर पर करते हैं और उसे अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद फिर इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेआउट सेक्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड और अपलोड के जगह पर आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डी लिखा हुआ है और यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये चेंज हो चुका है। सो हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसे हम वापस से उसी तरीके से रख देंगे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है।
रहता है, शॉर्ट फॉर्म में रखिए, सबसे बेहतर रहता है। इसके बाद अप्लाई करिए, ये फिर उसी तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये सब सारी सेटिंग को आपको छेड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये सब कुछ करना नहीं है आपको, कुछ भी इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि हमने लेआउट सेक्शन में जाकर के बहुत सारी सेटिंग को छेड़ दिया है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप एडवांस वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर देखिए एक रीसेट का एक बटन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, यस पर क्लिक करिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपका दोस्तों ये जो सेटिंग है ये पूरी तरीके से रीसेट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिर से वही व्हाइट कलर में आ चुका है। तो जब आप इसे पहली बार में इंस्टॉल करेंगे तो ये व्हाइट कलर का ही दिखेगा, तो इससे आपको बार बार यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इस चीज़ को आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई करिए, ओके करिए, ये चेंज हो चुका है। इसके बाद आप फॉन्ट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नेट स्पीड मीटर को इनेबल कर सकते हैं और आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं कि जब हम इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कितनी स्पीड आ रही है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप एक लाइक करिए। इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। अभी भी कोई समस्या है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। चलते हैं फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।